अगर किसी टॉपर को पूछो कि वो एक बात जानता है कि वो खुद को समय दे रहा है, वो एक बात जानता है कि वो सेल्फ स्टडी करता था, वो एक वो कर भी रहा है, और एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का सेल्फ स्टडी का मतलब समझो, जिसमें आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई क्लास आपको ऑनलाइन नहीं लेनी है, 3 से 4 घंटे आपको अकेले बैठ के पढ़ना है, जिसमें आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, लैपटॉप नहीं होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साइड होने चाहिए, सब कुछ साइड में होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए अपनी किताबों के साथ। अगर आप ऐसा करते हो, 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, तो भाई आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, इवन नीट एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो। और जो सेल्फ स्टडी करता है वो अपने पास कंप्यूटर, लैपटॉप, क्लासेस, व्लासेस कुछ नहीं रखता, उसके पास उसके नोट्स होते हैं और PYQs होते हैं, वो बैठ के सोल्व करता है, पहले थ्योरी पढ़ता है, सोल्व करता है, थ्योरी पढ़ता है, सोल्व करता है, 3 से 4 घंटे वो अपने साथ बिताता है और कोई उसके आसपास नहीं होता, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है।